So guys, क्या आप लोगों को पता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं? मैं बता देता हूं। बता। अरे हाँ भाई, बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोला नहीं, तुम लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। क्या आप लोगों को पता है पिंक डायमेंशन रिटर्न में आ रहे नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। हाँ भाई हाँ, तुम मुझे पता है विश्वास नहीं करोगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि सच में पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न कंफर्म हो चुका है। तो कौन कौन से रिवार्ड देखने को मिलेंगे, कब तक हमारे इंटरेस्ट पर पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में दिया जाएगा, आज की वीडियो में आप लोग को 100% कंफर्म अपडेट के साथ बताने वाला हूँ। क्या बात है सर। साथ ही गाइस, हो सकता है आप में से कुछ बंदों को हमारे OB42 अपडेट के बाद आने वाले नए कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा, लेकिन गाइस आज की वीडियो में आप लोग को OB42, OB43, OB44, OB45 मतलब की अपकमिंग OB अपडेट्स में कौन कौन से नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा, एंड का सभी कैरेक्टर्स के स्किल का रिव्यू भी करके बताने वाला हूँ। अरे बाबा, करते कैसे हो ये सब? इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे और कुछ नए अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में, पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमें से तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले अपडेट के आने की, आप लोग के लेस इज मोर और 100% टॉप ऑफ इवेंट के बारे में। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आप लोग को पता होगा कि हर एक बार के ओबी अपडेट में हमारे इंडिया से पर जरूर से एक ना एक बार लेस इज मोर या डबल डायमंड में से कोई एक टॉप इवेंट देखने को मिलता है, एंड ऑलरेडी कुछ सर्वर पर डबल डायमंड का टॉप इवेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग ये भी जानते हो कि हमारे इंडिया से पर टॉप इवेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए गाइस चांसेस है कि या तो भाई आप लोग को OB42 अपडेट आने से पहले पहले इसी मंथ के एंड तक हमारे इंडिया से पर डबल डायमंड का टॉप इवेंट या लेस इज मोर का कोई एक टॉप इवेंट देखने को मिलेगा। और अगर गाइस इस मंथ में देखने को नहीं मिलता है तो गाइस आप लोग को नवंबर के फर्स्ट वीक में गाइस दिवाली स्पेशल डबल डायमंड का टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है, या गाइस आप लोग को लेस इज मोर का टॉप इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप लोग भी टॉप वगैरह करने वाले हो तो गाइस सोच लेना, बाकी आप लोग को आज हमारे इंडिया सफर मिस्ट्री सफर इवेंट देखने को मिल चुका होगा, एंड आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना गाइस हमारे इंडिया सफर आने वाले मिस्ट्री सफर इवेंट से आप लोग को कितना परसेंट ऑफ हुआ है, ताकि हमें भी तो पता लगे करने वाले कोई स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भाई बहुत कम डिस्काउंट आप लोग को मिल रहा हो, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। इसके बाद में गाइस मैंने केवल आप लोग को OB42 अपडेट और OB43 अपडेट के बाद आने वाले न्यू कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, बल्कि गाइस उसके बाद आप लोग को जो भी ओबी अपडेट देखने को मिलेंगे उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले आप लोग को ट्विंस किलर नाम का कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि अपकमिंग ओबी अपडेट्स में देखने को मिलेगा। फिर यहां पे आप लोग को सोनिया कैरेक्टर दिया गया जो कि ऑलरेडी हमारे गेम में आ चुका है, जिसके आने के बाद गाइस सारे प्लेयर्स दुखी हो चुके हैं, पर अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। थर्ड गाइस यहां पे आप लोग को ग्रीक एक्सप्लोरर वाला कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, इसकी स्किल टेस्ट करके गाइस आज की वीडियो आप लोग को बताने वाला हूं। फोर्थ गाइस यहां पे आप लोग को गॉडफादर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को अपकमिंग ओबी अपडेट्स में देखने को मिलेगा। फिफ्थ गाइस यहां पे आप लोग को बोंटी हंटर्स नाम से एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन गाइस ऑलरेडी ये वाला कैरेक्टर भी हमारे गेम में सूजी कैरेक्टर के नाम से देखने को मिल चुका है, आप लोग को तो पता ही होगा, बट हमारे गेम में कुछ डिफरेंट लुक के साथ आप लोग को ये कैरेक्टर दिया गया है। तो कुछ ये अपकमिंग कैरेक्टर्स आप लोग को आने वाले ओबी अपडेट्स में देखने को मिलेंगे। और अब बात करें गाइस OB42 अपडेट के बाद आने वाले न्यू कैरेक्टर के बारे में, तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इग्निस नाम का आप लोग को न्यू कैरेक्टर OB42 अपडेट के बाद हमारे इंडिया सब पर देखने को मिलने वाला है, जो कि OB41 के एडवांस सर्वर में हम लोग को मिस्ट्री कैरेक्टर के रूप में देखने को मिला था। फाइनली इसका फर्स्ट लुक निकल कर आ चुका है। बात करें इस कैरेक्टर की स्किल के बारे में, तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो जैसे ही हम लोग इस कैरेक्टर की एक्टिव स्किल का यूज करते हैं तो ये जो कैरेक्टर है हमारे सामने 10 मीटर चौड़ी एक फायर वाली वाल बनाता है जो कि लगभग 8 सेकंड तक रहने वाली है, पर इससे हम लोग को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी एनिमी इस वाल के आर पार गुजरता है तो गाइस तुरंत से ये वाल 30 SP का डैमेज देगी और धीरे धीरे करके 10-10 SP का उसको 2 सेकंड तक डैमेज लगता जाएगा, यानी गाइस टोटल मिलाकर 50 SP का एनिमी को डैमेज लगने वाला है इस वाल के भीतर आने से। लेकिन गाइस अगर हम लोग इस वाल के भीतर रहते तो हम लोग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही गाइस हमारे टीममेट्स को इस वाल का कोई भी असर होने वाला है। तो ये वाला कैरेक्टर गाइस आप लोग को OB41 अपडेट के बाद ही हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो गाइस आप लोग को OB43 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसकी स्किल का नाम यहाँ पे पॉइजन ट्रैप के नाम से रखा गया है। तो गाइस इस वाले कैरेक्टर को सिर्फ इस बार टेस्ट के लिए डाला गया, पर शायद ये आप लोग को OB43 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। तो ये वाला कैरेक्टर भी गाइस आप लोग को एक्टिव स्किल के साथ देखने को मिलने वाला है, एंड गाइस इसकी एक्टिव स्किल काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, मतलब कि सोनिया कैरेक्टर से ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगी, बट गाइस सोनिया कैरेक्टर से कम भी आप लोग इसकी एक्टिव स्किल को नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो गाइस जैसे इस कैरेक्टर के एक्टिव स्किल का यूज करते हो तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक स्पाइडर रिलीज करता है, और ये जो स्पाइडर है ऑटोमेटिकली किसी भी एनिमी को फाउंड कर लेगा, एंड जैसे ही एनिमी इसके अंदर आ जाते हैं तो गाइस उसको ये धीरे धीरे करके डैमेज देने वाला है, यानी गाइस लगभग इसके 30-40 HP एनिमी की घटने वाली है। पर गाइस इस कैरेक्टर की एक वीकनेस भी है, जब भी कोई भी आप लोग स्पाइडर रिलीज करते हो और अगर सामने कोई भी ग्लोवल लगा देता है या गाइस कोई भी दीवार आ जाती है तो गाइस ये स्पाइडर आगे रिलीज नहीं होता है, और फिर गाइस उसके बाद में
एनिमी को फाउंड करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाकी गज अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हमारा रिलीज किया हुआ स्पाइडर कहीं एक जगह रुक जाए या गज बीच में कहीं रोकना चाहते हो तो आप लोग स्किल वाले बटन पे फिर से टैप करोगे तो गज ये स्पाइडर वहीं पे जाके रुक जाएगा, यानी कि उससे आगे नहीं बढ़ेगा। बट गज उसकी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एनिमी को फाउंड कर लेता है। पर गज इसका एक और नुकसान है कि कोई भी अगर एनिमी आपकी तरफ स्पाइडर रिलीज करता है और गज अगर आप लोग इसके स्कैनर के अंदर आ जाते हो तो गज आप लोग को कुछ सेकंड के लिए एक जगह जाम कर देगा। मतलब गज आप लोग कितने भी मूवमेंट करने की कोशिश करो भाई आप लोग मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मतलब कि मैंने दो बार यहाँ पे स्पाइडर के घेरे में फंस गया एंड गज काफी बार मैंने मूवमेंट करने की कोशिश की लेकिन गज कुछ सेकंड तक बिल्कुल भी हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते एंड गज एक तरह जाम हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह की एबिलिटी के साथ गज आप लोग को OB43 अपडेट के बाद हमारे इंडिया सफर ये कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। तो गज बात करें पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न के, जिसके लिए आप में से काफी सारे बंदों के कमेंट्स आते रहते हैं मनु भाई पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में कब देखने को मिलेगा। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गज बहुत ही जल्द यानी कि आप लोग को दिवाली एंड भाई पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारे इंडिया सफर पिंक डायमंड स्टोर को 5th एनिवर्सरी इवेंट में डाला गया था एंड उसके बाद में गज आप लोग को 6th एनिवर्सरी इवेंट में पिंक डायमंड स्टोर को रिटर्न में देखने को मिलना चाहिए था लेकिन गज गन्ने वालों ने हमारे इंडिया सफर 6th एनिवर्सरी इवेंट में पिंक डायमंड स्टोर को रिटर्न में नहीं दिया। जबकि गज मेना सर पर पिंक डायमंड स्टोर को हमारे रमजान इवेंट के टाइम रिटर्न में दिया गया था क्योंकि गज मेना सर पर सबसे बड़ा एंड मेगा इवेंट रमजान इवेंट को माना जाता है। लेकिन गज हमारे इंडिया सर की बात ही अलग है क्योंकि आप लोग को पता है इंडिया सर पर सबसे बड़ा मेगा इवेंट दिवाली इवेंट को माना जाता है, बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोग को 5th एनिवर्सरी इवेंट में पिंक डायमंड स्टोर गन्ने वाले रिटर्न में दे भी देते हैं तो गज आप लोग को दिवाली इवेंट में रिटर्न में नहीं डाल सकते थे। इसलिए गज काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस बन रहे कि भाई आप लोग को पिंक डायमंड स्टोर हमारे इंडिया सफर दिवाली इवेंट पे रिटर्न में देखने को मिल सकता है। एंड जैसे कि आप लोग को पता होगा गज हमारे फ्री फायर इंडिया की रिलीज डेट भी पास आ रही है एंड गज नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग को फ्री फायर इंडिया भी प्ले स्टोर पर देखने को मिल सकता है। इसलिए और भी ज्यादा काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आप लोग को पिंक डायमंड स्टोर हमारे इंडिया सफर दिवाली इवेंट में देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ा एंड मेगा इवेंट होने वाला आप लोग का दिवाली जो कि गज बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट होने वाला है। तो फिलहाल तो गज आप लोग की पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न को लेकर यही सारी नई अपडेट्स निकल कर आ रही थी। बाकी जैसे ही कुछ कंफर्म डेट निकल कर आती है आप लोग की पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न को लेकर तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी गज बात करें आप लोग के कुछ लकी कमेंट्स के आरोप जो कि आप लोगों ने कल की वीडियो पे किए थे तो फर्स्ट कमेंट में आपको 793 ने पूछा मनु भाई गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ कब आएगा। तो मेरे भाई आप लोग को गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ दिवाली इवेंट देखने को मिलने वाला है एंड गज 14 नवंबर आप लोग का पीक डे होगा जिस दिन आप लोग को गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट कमेंट में दीपक गेमिंग ने पूछा ब्रो दिवाली पास आएगा क्या जो 99 डायमंड में एक्टिव होता है, प्लीज पिक माई कमेंट। तो मेरे भाई दिवाली पास आप लोग को 100% देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार आप लोग को रैम्पेज पास भी नहीं दिया गया एंड गज आप लोग को हो सकता है कि लगभग 6-7 तारीख तक दिवाली पास इवेंट देखने को मिल जाए या 10 तारीख से पहले पहले आप लोग को दिवाली पास इवेंट दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे मुई एबीएम 334 ने पूछा है मनु ब्रो लव यू टू ब्रो, तो बट गोरा इवेंट का फिस्ट स्किन कौन से इवेंट में आएगा, बहुत यूट्यूबर्स को बोला कुछ रिप्लाई नहीं दिया पर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो प्लीज बता दो ना, लव यू टू ब्रो। देखो गज मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे बंदों का कमेंट ले पाऊँ लेकिन गज एक वीडियो में सारे कमेंट्स को लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ कॉमन कमेंट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यार आप सब लोग के लिए जानना जरूरी होता है। बाकी रही बात गज घोड़े वाले फिस्ट स्किन की, मुझे पता है भाई ने पूछा है टोकन व्हील में जो बंडल दिया गया आप लोग को घोड़े वाला उसकी फिस्ट स्किन कब आएगी, तो मैं आप लोग को बता दूं गज अभी डेट कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस है गज आप लोग को टोकन व्हील इवेंट में दी जाएगी। पर देखो गज गन्ने वालों ने बंडल्स कोई OB40 अपडेट से पेंडिंग रखा था तो भाई पता नहीं गन्ने वाले हमारी इस फिस्ट स्किन को भी पेंडिंग रख सकते हैं, तो डेट कंफर्म नहीं है, जैसे इसकी डेट कंफर्म हो जाएगी तो आप लोग को बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।